लॉरीन आमिर और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे रिवायती किचन में। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपीज पसंद करने का, ट्राई करने का, फीडबैक देने का। और यकीन माने जब आप लोग पिक्चर्स सेंड करते हैं तो मजा आ जाता है पिक्चर्स को देख के। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन स्टफ्ड बेल पेपर। यकीन माने बहुत मजे की बनती है, लो इन कैलोरीज है और आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी कम कैलोरीज में हम लोगों ने तैयार की है। तो वक्त जाए किए बगैर चले हम लोग चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैक्सिकन स्टफ्ड बेल पेपर्स के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने पैन को रख दिया था चूल्हे के ऊपर ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक अदद प्याज जिसको मैंने रफ चॉप कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू होगा हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक। इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक से दो मिनट जो है वो गार्लिक और जो अनियन था वो फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये कीमा, बीफ का कीमा है मेरे पास। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होने लगेगा हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदद टमाटर, इसको भी रफ चॉप कर लिया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, जीरा क्रश किया हुआ है, ड्राई ओरिगैनो, कुटी हुई काली मिर्च और यहाँ पर मेरे पास है सालसा। अच्छा, सालसा जो आप लोगों ने लेना है वो सालसा जो है वो बारीक वाला लेना है, ज़्यादा चंकी वाला नहीं लेना, ठीक है। मैं रेडीमेड सालसा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग घर में खुद सालसा बनाना चाहें तो बिल्कुल वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कीमे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से गल जाए और हम लोग आ जाएंगे अपनी बेल पेपर्स की तरफ। कीमे को रख दिया है मैंने दम लगाने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी बेल पेपर्स की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 कलर की ली है। अगर आपके पास किसी एक कलर की हो तो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की कैप्सिकम हो कि जब आप उसे ऐसे करके खड़ा करें तो वो इजीली स्टैंड हो सके। अगर ऐसा ना हो, नीचे से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो आप हल्की सी लेयर इसकी काट लेंगे नीचे से तो ये इजीली इस तरह से आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक नाइफ की मदद से हम इसको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। और फिर एक छोटी नाइफ की मदद से हम इसको अंदर से खाली कर लेंगे। ये जो इसके अंदर बीज में बीज होते हैं इन सब चीजों को हम लोगों ने निकाल लेना है। इस तरह से ये खाली हो गई है और हम इसको अंदर से कंप्लीटली क्लीन कर लेंगे। और ये अंदर अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सारा का सारा हम इसमें से निकाल देंगे। अब ये जो ये वाला पार्ट है, अगर आप लोग चाहें तो इस पार्ट को भी बारीक बारीक क्रश करके कीमे के अंदर डाल सकते हैं, बहुत मजे की लगती है, अप टू यू। मैं ऐसा करूंगी कि थोड़े से जब हम कीमे को चेक करेंगे तो उसमें डालेंगे, आपको दिखाऊंगी बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग अपनी सारी की सारी जो शिमला मिर्च है इसको काट लेंगे। कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है इस वक्त, यहाँ पे आप लोग देखें, और बहुत ही जबरदस्त इसकी लुक आई है। अब इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे कि वो जो बेल पेपर के ऊपर के जो पीसेस थे उनको मैंने रफ चॉप कर लिया है। इट्स ऑप्शनल, अगर आप लोग डालना चाहें तो बिल्कुल डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। डालने से क्या होता है कि कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया है मेरे पास, कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको एक से दो मिनट और कुक कर लेंगे ताकि जो हम लोगों ने शिमला मिर्च डाली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो अभी इसको बेक भी होना है तो बहुत ज़्यादा हम इसे ना भी पकाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको रखती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर हम इसका करते हैं फाइनल स्टेप। हमारी जो मैक्सिकन फिलिंग है वो भी तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और ये जो शिमला मिर्च थी हमने इसको साफ करके रखा था वो भी यहाँ तैयार है। यहाँ पर मेरे पास है चीज़। अच्छा, चीज़ जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लो फैट चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर और इसको अच्छे से यहाँ स्प्रेड कर देंगे, ठीक है जी। और साथ ही अब हम क्या करेंगे कि ये जो बेल पेपर है ये हम ले लेंगे और इसके अंदर ये जो हम लोगों ने मैक्सिकन फिलिंग तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा कीमा हमने डाला और उसके बाद जो है ये थोड़ी सी चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी, लो फैट चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है जी।
और ये थोड़ी सी इसके अंदर पार्मेसन चीज़ हम डालेंगे। दोबारा से जो है ये कीमे की फिलिंग जो है ये इसके ऊपर हम डालेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से हो गया और अब हम इसको रख देंगे अपनी बेकिंग ट्रे में। इसी तरह से जो है हम अपनी सारी की सारी जो बेल पेपर्स हैं इनको फिल कर लेंगे कीमे से। सारी की सारी जो बेल पेपर्स थी इसको मैंने फिल कर दिया है अपनी मैक्सिकन ज़बरदस्त सी फिलिंग के साथ। अब मुझे क्या करना है कि एक एल्युमिनियम फॉइल लेके मैं इनको रैप कर दूंगी, और रैप करके मैंने जो अपना अवन है उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे, ताकि जो हमारी बेल पेपर्स हैं वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको वापस से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम लोग चीज़ डालेंगे और इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तकरीबन 20 मिनट से ये बेक हो रहा था और अब मैंने इसको निकाला है। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारी बेल पेपर्स थी वो सॉफ्ट हो गई हैं कि नहीं। अब ये बेल पेपर्स जो है हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे अब क्या करने जा रही हूँ कि इसके ऊपर टॉप पर चीज़ डालने जा रही हूँ। मैंने इनके ऊपर चीज़ डाल दी है। अब हमें क्या करना है कि इनको दोबारा से अवन के अंदर रखना है अनकवर्ड करके, और ऊपर का ग्रिलर ऑन कर दीजिएगा ताकि इनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और जो चीज़ हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनके पास अवन की सहूलत मौजूद नहीं है, वो लोग एक खुले वाले मुँह का पतीला ले लीजिए और उसके अंदर हल्का सा जो है तकरीबन क्वार्टर कप के जितना पानी डाल के और उसको मीडियम आंच के ऊपर स्टीम देके इन्हें गला लीजिएगा, और जब इनके ऊपर वो गल जाए तो फिर इसके ऊपर चीज़ डाल के दोबारा से पका लीजिएगा, तो ये चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और बग़ैर अवन के जो है ये मैक्सिकन बेल पेपर्स आप इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको रखने जा रही हूँ अवन के अंदर ताकि इसके ऊपर अच्छा सा नाइस एंड गोल्डन कलर आ जाए, और फिर हम लोग मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिकन स्टफ बेल पेपर्स की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही लो इन कैलोरीज है, टोटल एक सर्व के अंदर 232 कैलोरीज अप्रॉक्स मौजूद हैं। और अगर आप लोग इसको हाफ कप ऑफ ब्राउन राइस के साथ सर्व करेंगे तो ब्राउन राइस के अंदर 108 कैलोरीज हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि एक सर्व में कितनी थोड़ी सी कैलोरीज हैं। शक्ल में, जायके में इसे कोई भी नहीं कह सकता कि इसके अंदर इतनी लेस कैलोरीज हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ट्राई करेंगे और हमेशा की तरह देंगे मुझे इसका फीडबैक। यहाँ पे टाइम हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।